हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेंट्रिफ्यूगल स्विच, जिसे क्लच प्लेट भी बोलते हैं, इसका कनेक्शन वायरिंग हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे पास है ये एक सिंगल फेस क्लच इंडक्शन मोटर। इस मोटर के पिछले बैरिंग के पास एक प्लेट लगी होती है, जिसे हम क्लच प्लेट बोलते हैं। इस मोटर की वाइंडिंग से आपको तीन कलर के वायर निकले हुए दिख रहे हैं, जिसमें जो ब्लैक कलर का वायर है वो कॉमन कनेक्शन है, और जो रेड कलर का वायर है वो रनिंग वाइंडिंग का वायर है, और जो येलो कलर का वायर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। इस प्रकार की मोटर में दो कैपेसिटर होते हैं, जिसमें पहला होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है रनिंग कैपेसिटर, और इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो मैंने दर्शाया है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगल स्विच। और यह है दोस्तों सिंगल फेस MCV। दोस्तों, डायग्राम में आपको कनेक्शन समझाने के लिए मैंने ये सेंट्रिफ्यूगल स्विच आपके सामने दर्शाया है। ये मोटर के अंदर पिछला जो ढक्कन होता है, इसमें पिछली बैरिंग के पास लगा होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग से इसके कनेक्शन भी मोटर के अंदर ही हो जाते हैं। अब दोस्तों, हम कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यूट्रल सप्लाई है इसको हम डायरेक्ट मोटर के कॉमन कनेक्शन से जोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, एक वायर इसका और एक रनिंग कैपेसिटर का, इन दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर को मोटर की रनिंग वाइंडिंग वाले वायर के साथ जोड़ देंगे, और मोटर की रनिंग वाइंडिंग वाले वायर के साथ हम फेज सप्लाई को भी जोड़ देंगे। अब हमारे पास दोस्तों मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर बचा हुआ है, इसे हम सेंट्रिफ्यूगल स्विच और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को सेंट्रिफ्यूगल स्विच के एक वायर के साथ जोड़ेंगे, और सेंट्रिफ्यूगल स्विच के जो दूसरा वायर है उसको हम मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले वायर के साथ जोड़ देंगे, और इसी के साथ हम रनिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को भी जोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर और सेंट्रिफ्यूगल स्विच के साथ सिंगल फेस मोटर का ये कनेक्शन का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इस डायग्राम को अगर आप फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।